कोंटा साहिब क्षेत्र के धौलाकुआ में एक स्टील प्लांट से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि फैक्ट्री से रोज कई बार खतरनाक धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों में कई तरह के त्वचा रोग फैल रहे हैं। हालांकि उद्योग दिन दहाड़े सरेआम जहरीला धुआं उगलता है, बावजूद इसके उद्योग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पांवटा साहिब क्षेत्र के धौलाकुआ में एक स्टील प्लांट से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि फैक्ट्री से रोज कई बार खतरनाक धुआं निकलता है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों में कई तरह के त्वचा रोग फैल रहे हैं। हालांकि उद्योग दिन दहाड़े सरेआम जहरीला धुआं उगलता है, बावजूद इसके उद्योग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धौलाकुआ क्षेत्र में दिन रात प्रदूषण उगलता ये प्लांट कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला चुका है और ना जाने कितने लोग बेहद गंभीर त्वचा रोगों से जूझ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई परिवार प्रदूषण के चलते इस क्षेत्र से अपना घरवार और जमीन छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए हैं, जबकि कुछ परिवार हालात ना सुधरने पर जल्द ही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। देश और प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहद कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन बैली आयरन स्टील प्लांट को लेकर लगता नहीं है कि इन उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कानून प्रभावी है। अधिकारी क्या, राजनेता क्या, सबके दर पर शिकायत पहुंची है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ लीतापोती ही हो रही है। हैरानी की बात है कि यहाँ ये हालात पिछले कई दशकों से बने हुए हैं, लेकिन सुधार के नाम पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। बैली आयरन स्टील प्लांट की कहानी स्वयं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लोग अपनी दास्तां कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं और प्रदूषण के लिए जख्म भी किसी से छुपा नहीं है। बावजूद इसके प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बेहद बचकाना दलीलें दे रहे हैं। मारो रे यार, काले हाथों से समस्या यही है कि भैया धुआं कम हो जाए तो हम लोग को दिक्कतदारी नहीं है, और हाथ भी काले और बीमारियाँ फैल गई घर में, तो बीमारी बहुत ज़्यादा धुआं है, अंदर बैठ गया कोई अंगड़ अंगड़ धुआं चल जाए। कौन सी फैक्ट्री है ये? बेली फैक्ट्री। हाँ जी यार, 2 साल हो गए मेरे, तो पैर भी ठीक नहीं करा रखा है उन्होंने, यही मेरे चोट लगी, ये कोई देखभाल नहीं कर दे किसी की, नहीं कोई देखभाल नहीं है यहाँ। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? ये धुआं बंद हो जाए, काला धुआं नहीं आना चाहिए खेतों में भी, यार बीमार भी हो रहे, पशु भी बीमार हो रहे, आदमी तो बीमार हो ही रहे, फिर पशु भी नहीं बच रहे ये काले धुएं की वजह से। प्रदूषण आती है ना जी, ये काला धुआं आ रहा बहुत ज़्यादा, और ये धुआं बंद होना चाहिए। घर के पास है हमारे नन वैली फैक्ट्री। हाँ जी, हमने बहुत परेशानी है, डंगरी मारे बहुत बीमार है, काला धुआं आता है बहुत, हाथ पाँव खराब, बस बहुत बीमारी के चांस हो रहे जी। धुआं ने परेशान कर दिए, काला धुआं बहुत आता है जी, बहुत आता है जी, हमारे तो हाथ भी देख लो काले हैं जी, घर में भी अंदर बहुत काले डायरी जी, कपड़ों में भी, पैरों में भी, पेट में भी जावा जी, डंगर भी मारे बीमार हैं, जमीन मानी कुछ होंदा जी, सारी गेहूं के पर काल से जम रही जी, पता नहीं कितनी काल से मारे पेट में, कितनी मारे बच्चा नो खा रहे, कोई दुख थोड़ी है अभी। हाँ, हमारे को कोई दुख नहीं है, पर मारे को यही दुख है, अभी मारे घर में काल से जागती है जी अंदर, मारे को यही दुख है। क्या जाता है सरकार से, क्या जाता है सरकार से, क्या मांग है आपकी? मांग ये अभी धुआं बाहर नहीं आना चाहिए। आयरन वैली के पास मेरा घर है, तो यहाँ पे प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है, काला धुआं हर समय चला रहता है, जिससे हमारे फसल को भी नुकसान होता है, इंसान को भी नुकसान है, हमारे पशुओं को भी नुकसान होता है इससे, और बीमारी का बहुत खतरा आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को भी खतरा है, और यहाँ से अगर यही हाल रहा तो यहाँ के गाँव घर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। ज़्यादा है जी, फसल पानी भी बैठा बैठ गया, और मकान भी बिल्कुल काले है, खाने पीने से भी तंगी हो गई, फसल नहीं होती है, तो इस धुएं का प्रबंध करा जाए। जब यहाँ पे नेता आते हैं तो आपने उनसे शिकायत नहीं की? जब नेता आते हैं ये दस्तखत करवा लेते हैं, और कहे हमने कहा दे दे, कहे अप्लीकेशन वगैरह, किसी ने सुनाई नहीं करा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये कहते हैं इस फैक्ट्री को, धुएं को कंट्रोल में होना चाहिए। बोर्ड के SC डॉक्टर श्रवण कुमार का कहना है कि ना तो स्टील फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है और ना ही ऐसे किसी प्रदूषण के कारण क्षेत्र के लोगों को इस तरह से कोई रोग हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टील प्लांट प्रदूषण रोकने के लिए निर्धारित मानकों पर खरा उतरा है। उद्योग है उसमें जो है सभी तरह के प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हुए हैं, उसमें आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का बैग हाउस और उसका सक्शन सिस्टम सब लगाया गया है, और समय समय पर उसकी सैंपलिंग की जाती है, और उसमें काफ़ी सुधार कराया गया पिछले 1 साल से,
और भविष्य में यदि कोई समस्या होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर लोगों ने ये भी कहा है कि वहाँ पर ना कभी भी चेकिंग नहीं की गई है। हम रेगुलर सैम्पलिंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड है और उसका रिकॉर्ड जो है टाइम टू टाइम हेड ऑफिस को भेजा जाता है और हर जगह भेजा जाता है। बाकी सर ये भी कहा कि कभी जब भी हम लोग शिकायत करते हैं उसी टाइम एक बार टीम आएगी, उसके बाद ना तो उनका कोई चलान काटते हैं ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। हम जो है रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, रेगुलर सैंपलिंग करते हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जाती है और जो भी इंस्पेक्शन होती है सरप्राइज की जाती है, उसमें किसी को बताया नहीं जाता।